नमस्कार, मैं सुगंध त्रिपाठी, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका। जैसा कि आप सबको बताया कि इस समय कोरोना ने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना एक भयावह रूप ले लिया है, और इन सब से निकलने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करें, इसमें आपका ही हित है। आज मैं अपने चार्ट के माध्यम से आप सबको, जो कि ऑलरेडी आपको बहुत सारी बातें पता हैं, मैं अपने चार्ट के माध्यम से आपको कुछ बताने जा रही हूँ। मेरा सबसे पहला चार्ट है स्टे सेफ विद द 5 M's प्रिंसिपल। इसमें आपको 5 M को फॉलो करना है और आप इस हिसाब से सेफ रह सकते हैं। पहला है मैनेज माई हेल्थ, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना जरूरी है। सेकेंड है मेंटेन क्लीन हैंड्स, जब भी आप बाहर जाएं तो बाहर से जब घर वापस लौटे तो अपने हाथों को हैंड वॉश या किसी भी सोप से 20 सेकेंड तक धुले। थर्ड है मिनिमाइज कॉन्टेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग, जिसपे की इस समय भारत सरकार द्वारा बहुत ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है। फोर्थ वन इज मास्क अप व्हेन अनवेल, हर वक्त मास्क लगा के घूमने की जरूरत नहीं है। मास्क आप तभी लगाइए जब आपको लगता है कि आपको जुकाम या खांसी जैसी कोई दिक्कत है, अदरवाइज उसको प्रॉपर यूज करने के बाद डिस्पोज करिए। द लास्ट इज मॉनिटर द न्यूज, जो भी आपको न्यूज दिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, उनको आप फॉलो करें, किसी भी फेक न्यूज पर ध्यान मत दें। मेरा सेकेंड चार्ट है यू आर नॉट इनविजिबल, दिस वायरस कुड पुट इन हॉस्पिटल फॉर वीक्स और इवन किल यू। ये वायरस ऐसा है कि किसी जाति धर्म संप्रदाय या गरीबी अमीरी को नहीं देखता। अगर एक बार आप इसकी चपेट में आ गए तो आप सिर्फ बीमार ही नहीं होंगे बल्कि आपकी जान भी जा सकती है। तो अच्छा होगा कि अगर आप इन्फेक्टेड नहीं है तो अपने घर में रहें और बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप बाहर जाए तो आपको सब सेफ लोग ही मिले। अगर सामने वाला इन्फेक्टेड हुआ तो वो आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। एंड माई थर्ड एंड लास्ट चार्ट इज थैंक्स टू ऑल कोरोना वायरस वॉरियर्स, मतलब जो भी मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स नर्स या फिर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मचारी हैं, उन सबको हमें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर हम सबकी जान को बचाने के पीछे लगे हुए हैं। तो आप अपने घर पे रहें और सेफ रहें। जिला प्रशासन द्वारा और मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर राही रैली में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात हूँ, और अपने विद्यालय में मैं विज्ञान और गणित की भी शिक्षिका हूँ। उसके साथ साथ जो है मैं अपने विद्यालय के मीना मंच की सुगमकर्ता भी हूँ। जो है तो सुगमकर्ता के रूप में जो है हमारे विभाग द्वारा जो है एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कि एक महामारी जिसका कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस COVID-19 है, जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, और उसकी रोकथाम के लिए जो है तरह तरह की जो है अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारे विभाग द्वारा भी काफी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कि हम आपको हमने ये घर बैठ करके कुछ चार्ट बनाए हुए हैं, जिसमें कि है कि ये लॉकडाउन इस समय किया गया है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये हमने कुछ चार्ट बनाए हुए हैं जिसमें कि लॉकडाउन का पालन करें और घर पर रहें ताकि सुरक्षित रहें। और उसके कुछ हमारे जो ये कोरोना वायरस है उसके कुछ लक्षण हैं, जिसमें कि जो है सिर दर्द होता है और सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी आती है, बुखार आता है, और हमारे लीवर में इन्फेक्शन होता है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है जो है। तो और उसके बाद जो है हमने ये भी बताया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि नाक और अपनी आंखों को जो है गंदे हाथों से हमें नहीं छूना चाहिए जो है। और उसके बाद कुछ सावधानियां भी हैं कि दिन में हमें कई बार जो है हाथों को अपने साबुन से धोना चाहिए, और अगर आपके पास सैनिटाइजर है, जो भी चीजें आपके पास हैं उससे आपको धोना चाहिए जो है। और बाहर अगर आप निकलते हैं तो आपको अपना मुंह ढक करके निकलना चाहिए जो है, क्योंकि इसके कीटाणु जो है आपके 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर भी होते हैं जो है। और इसके अलावा हमें और भी कुछ चार्ट बनाए हुए हैं, जिसमें कि आप जब कहीं पर खड़े होते हैं मान लीजिए, तो कुछ डिस्टेंस बना करके खड़े होना चाहिए, जिसमें कि दूरी होनी चाहिए। ये आपको एक खेल के बच्चे हैं जो कि कार्टून ने बनाया हुआ है, और ये दूरी है इसमें कि बच्चे दूरी बना करके आपस में खेल रहे हैं जो है। और दूसरा ये है, एक और है कि हमारे
विभाग हमारा चिकित्सा विभाग भी जो है वो तो काफी ज्यादा जोर शोर से है, तो उसके लिए बनाया हुआ कि एक डॉक्टर है जो कि अपना फेस को जो है मास्क द्वारा ढक करके जो है मरीजों का इलाज करते हैं जो है। और कोई सुझाव देना चाहेंगे कोरोना वायरस के बारे में? हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे जिले के जिलाधिकारी मैडम जो है सुभ्रा सक्सेना मैडम जो है पूरे जिले में जो है लॉकडाउन का पालन करवा रही हैं, और वो कहीं पर भी जो है काफी मेहनत कर रही हैं कि लोग बाहर ना निकले। जितना ही आप अपने घर के अंदर ही रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। और दूसरे जो है जैसे बच्चे हैं हमारे और बुजुर्ग लोग हैं, वो काफी ज्यादा उनके ऊपर अटैक करने का रहता है, तो कोशिश करें कि घर के अंदर वो लोग भी रहें। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी पूरा अच्छे से सेवा करें जो है घर के अंदर ही, ताकि उनको किसी भी चीज की परेशानी ना होने पाए और उनका मनोरंजन ऐसे करते रहें कि जो है घर घर ना मतलब बाहर निकलने का मन करे। और हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है आनंद प्रकाश शर्मा जी, वो भी जो है गांव-गांव हमारे एक मुहिम चला रखी है सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी है। और ये हमारा जो ये कोरोना वायरस है उसके लिए ग्रामीण अंचल में भी हमारा विभाग काफी आगे आगे काम करने में जुटा हुआ है। हम सारी सुगमकर्ता जिले की जितनी सुगमकर्ता हैं वो गांव-गांव में हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से है या चार्ट है या मॉडल है किसी भी तरह से गांव-गांव और शहरों में भी इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये जो है पूरी तरह से खत्म हो सके जो है। और हमारा जो हमारे संदर्भदाता रिसोर्स पर्सन हमारे जो पांडे जी हैं वो भी इस चीज में काफी लगे हुए हैं कि दिन रात मेहनत करने में जुटे हुए हैं कि ये जो है इसे निजात पाया जा सके जो है। और हम व्हाट्सएप के माध्यम से अपने बच्चों को ये सीख दे रहे हैं कि जो है दिन भर में कम से कम आप लोग जितनी बार भी गंदी चीजों को छूते हैं और उसको साबुन से हाथ धोइए जो है, और अपनी आंख और नाक को जो है उंगलियों द्वारा या हाथों के द्वारा गंदे हाथों से ना छुआ जाए जो है। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा करके निकले, या दुपट्टा है या गमछा है कोई भी चीज है उससे मुंह ढक करके ही निकले। कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके अपने घर के अंदर ही रहें। इसके अलावा मैं कुछ भी कहना चाहूंगी, बस यही चाहूंगी कि जो है अपना बचाव अब आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं गुंजन वर्मा पूर्व माध्यमिक विद्यालय हमीरी पट्टी विकास खंडी में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और मीना सुगमकर्ता के रूप में भी कार्य कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं वर्तमान समय में प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत को कोरोना महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, और लॉकडाउन का पालन करने एवं घरों में रहने के लिए लॉक शासन प्रशासन एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती सुभ्रा सक्सेना द्वारा इस बीमारी से बचने के लिए निरंतर प्रयासशील हैं। प्रत्येक विद्यालय में गठित मीना राजू मंच के माध्यम से जिला विशेष शिक्षा अधिकारी श्री आनंद प्रकाश शर्मा के दिशा निर्देश एवं जिला बालिका शिक्षा रिसोर्स पर्सन श्री श्याम सुंदर पांडे जी के लगातार प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन में सुगमकर्ताएं सब घर में बैठकर चार्ट पोस्टर स्लोगन कविता वीडियोस आदि के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से गांव-गांव घर तक इस महामारी से बचने के जागरूकता भरे संदेश भेज रही हैं, और लगातार ग्राम प्रधान SMC अध्यक्ष अभिभावक बच्चों को घर पर रहें सुरक्षित रहें इसी की अपील कर रही हैं। बहुत ही आवश्यक कार्य से बाहर जाने पर हमेशा मास्क का प्रयोग करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर से बाहर से घर वापस आने पर अपने हाथों को साबुन से 20 सेकेंड तक अच्छे से हाथ साफ करें एवं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अन्य प्रदोषी से आने वाले सब ग्राम व्यक्तियों को 14 दिन तक बाहर क्वारंटीन रहने की सलाह दें। बीमारी के लक्षण दिखने पर शीघ्र ही अपने नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। मीना सुगमकर्ता के रूप में मैंने भी कुछ पोस्टर अपने बनाए हैं, जिसमें कि कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस के माध्यम एवं कोरोना वायरस की क्या क्या सावधानियां हैं, और मैं अपने ग्राम प्रधान एवं ग्राम SMC अध्यक्ष आदि को भेजकर पूरे ग्राम में बच्चों को इसके द्वारा जागरूक कर रही हूँ। मैं हूँ तपस्या पुनवार, मीना मंच सुगमकर्ता उच्च प्राथमिक विद्यालय मऊ विकास खंड जनपद रायबरेली एवं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय पूरे टोली। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हम सभी भय और शंका से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु मित्रों ये समय डरने और घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि संयम, समझदारी और स्वच्छता के साथ अपने घर में सुरक्षित रहने का है।
तो मित्रों, इस महामारी से कोविड-19 के विरुद्ध जो वार चल रहा है, हम सभी मीना मंच सुगमकर्ताएं भी खड़े हुए हैं और हमारे मीना मंच सुगमकर्ता सभी मीना मंच के माध्यम से हमारी जिलाधिकारी महोदया श्रीमती सुभ्रा सक्सेना एवं श्री बीएसए सर आनंद प्रकाश शर्मा एवं बालिका शिक्षा रिसोर्स पर्सन श्री एसएस पांडे जी के कुशल मार्गदर्शन में आप सभी तक के जन जागरूकता संदेश अपने पोस्टरों और गीत कविता पपेट इत्यादि के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैंने भी एक पोस्टर बनाया है जिसमें मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि घर हमारा बहुत सुरक्षित है। यदि हम अपने घर पे रहे, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें एवं जहाँ भी हमें अगर जाना जरूरी है तो घर आकर के हाथ साबुन से या हैंड वॉश से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार मैं आपसे आज आप सोच रहे होंगे कि ये हमारी मीना रानी किस ड्रेस में आ गई है। देखिए, आज मेरे साथ मीना भी है और उसका भाई राजू भी है। मीना रानी आज धन्यवाद देने आई है अपने मोबाइल को और संचार के इन माध्यमों को, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि को, इसलिए क्योंकि मीना का ये मानना है कि आज लॉकडाउन में हम घर में जो कैद हो गए हैं उसमें ये मोबाइल और ये संचार के साधन ही है जिनके कारण हम लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ करके हम नए नए कार्य, क्रिएटिव कार्य करने में लगे हुए हैं। मीना रानी हमारी आज धन्यवाद देना चाहती है उन डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मियों, मीडिया कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों को जो दिन रात अपने घर वालों से दूर रह करके अपनी जान को निछावर करते हुए युद्ध सैनिकों की तरह निरंतर कोविड-19 से जूझ रहे लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो मीना, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय फरीदगढ़ सलोन रायबरेली से आपके सामने वैश्विक महामारी कोविड-19 के संदर्भ में अपने कुछ विचार और सुझाव लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अपना वतन लाम पर है, जो जहाँ पर है देश के काम पर है, इसी बात को चरितार्थ करते हुए मैंने अपने स्तर से कुछ प्रयास किए हैं जिनको मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। अपने गांव से कुछ लोगों के फोन नंबर मेरे पास थे, उन मोबाइल नंबर का मैंने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप पर समय समय पर सरकार के द्वारा दी जाने वाली इस महामारी संबंधित विभिन्न जानकारियों को साझा किया। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप का जो लिंक है वो भी साझा किया ताकि लोग उस ऐप के माध्यम से जानकारियों से जुड़ सकें और लाभ ले सकें। इसके साथ ही मैंने पाया कि गांव में मास्क की कमी है और वहां संसाधनों की भी कमी है, तो मैंने अल्प संसाधनों में मास्क बनाने की कोशिश की है जिसे मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये कपड़ा है और इस कपड़े को जो है मैंने धोया है, सुखाया है ताकि ये कीटाणु रहित हो जाए और इस प्रकार का एक रुमाल जैसा कपड़ा लेकर के दो रबर बैंड की सहायता से हम मास्क बना सकते हैं। इस रबर बैंड को एक छोर पे लगाया और दूसरे रबर बैंड को दूसरे छोर पे लगाएंगे। इस मास्क को प्रत्येक प्रयोग के बाद धोना और सुखाना आवश्यक है। अब इन दोनों को छोरों को जोड़ दिया ताकि आपस में इनको फंसा दिया जिससे जल्दी से खुलेगा नहीं।
और इस प्रकार से ये मास्क बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, इस प्रकार से हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि ये नहीं है दो रबर बैंड, तो हम रस्सियों के माध्यम से भी इसको बना सकते हैं। दोनों रस्सियों को उसी जगह पर रख देना है जहां रबर बैंड थे, और वैसे ही सेम इसको जोड़ करके और ये रस्सियों को पीछे बांधकर इस मास्क का प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। साथ ही साथ देखिए, मेरे पास एक कपड़े का मास्क भी है, इसको मैंने घर में बनाया है। जो कपड़े की थैलियां आती हैं उनसे मैंने इसको बनाया है घर में, और इसको भी जो है वो उसी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इसको बनाना बहुत ही सहज है, अल्प साधनों में बन जाता है, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो ये किया गया प्रयास है जनमानस को लाभान्वित करेगा। एक मीना सुगमकर्ता होने के नाते मेरे हेडमास्टर श्री एसएस पांडे जी, जो कि बालिका शिक्षा रिसोर्स पर्सन भी हैं, उनसे मुझे समय समय पर विभिन्न कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी मुझे ऐसे ही जनमानस के हित के लिए काम करते रहना होगा, और मैं करती रहूंगी। धन्यवाद।